Hello friends, my name is Shivam Thakur. I am director of Impexperts GFA Group. तो अगेन आज मैं आपके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक और अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेके पूरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सीरीज लेके आ रहा हूँ. तो अगेन आज ये वीडियो भी उसी का पार्ट है. तो आज हम बात करेंगे टोमेटो के बारे में. टोमेटो एक्सपोर्ट्स कैसे करते हैं, कौन सी कंट्रीज में जाता है, कौन सी कॉम्पिटिटर कंट्रीज है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन सी कंट्री इम्पोर्टिंग ज़्यादा करती है, कौन से फॉर्म में उसको बेचने चाहिए, उसका और कौन से यूजेजेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं ये वीडियो में आपके साथ शेयर शामिल होता है. इंडिया से जो टॉप 10 एग्री प्रोडक्ट्स होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसमें टॉप 10 आइटम्स में से टोमेटो आता है. अभी कौन से स्टेट्स में ज़्यादा हार्वेस्टिंग क्रॉपिंग होता है इसका, तो वो है आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, राजस्थान है, गुजरात है. तो ये सारे के सारे स्टेट्स में काफ़ी अच्छे मात्रा में इसका क्रॉप होता है और वहाँ से एक्सपोर्ट्स होता है. मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन से स्टेट्स में से काफ़ी अच्छा क्रॉपिंग और हार्वेस्टिंग्स होता है. तो अब कौन सी कंट्रीज इंपोर्टिंग करती है, तो सबसे पहले ज़्यादा इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज है बांग्लादेश है, यूएई है, ओमान है, नेपाल है. ये सारी की सारी कंट्रीज काफ़ी अच्छे मात्रा में इंपोर्ट्स करती है. आपने इसका एक मैं मज़ेदार किस्सा भी आपको सुनाना चाहता हूँ. इससे पहले जो बताया वो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती थी टोमेटो अपना यहाँ इंडिया से, पर उरी अटैक, सबने सुना होगा उरी अटैक के बाद जो भी अपना यहाँ से एक्सपोर्ट्स होता था टोमेटो वो पाकिस्तान ने कम कर दिया और उन्होंने बाकी सारी कंट्रीज से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है. तो ये इसके अलावा मैंने जो बताया नेपाल है, फिर बांग्लादेश है, यूएई है, सऊदी है, ओमान है, कतार है, उसके अलावा भी यूएई है, यूके है, वो सारी कंट्रीज में भी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट्स अपने टोमेटो अपने यहाँ का टोमेटो का होता है. अभी किस टाइप के टोमेटोज, यानी कौन से प्रकार के टोमेटोज, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसका मैं बताना चाहता हूँ. तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. टोमेटो का जो साइज है 50 to 60 mm का डायमीटर, यानी 50 to 60 mm का उसका डायमीटर होना चाहिए और रेडिश होना चाहिए. ज़्यादा रेडिश भी नहीं, यानी ज़्यादा पका हुआ भी नहीं, रेडिश और ग्रीन के बीच का जो पार्ट होता है उस टाइप का उसका कलर होना चाहिए. वो ज़्यादा एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स में माना जाता है, लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं. तो इस टाइप का जो पर्टिकुलरली पोटेटोज है 50 to 60 mm और रेडिश, ज़्यादा रेडिश भी नहीं और थोड़ा एकदम ग्रीन भी नहीं, उस टाइप का पोटेटोज काफ़ी अच्छा मात्रा में एक्सपोर्ट होता है. अब इसके पैकेजिंग की बात करें तो उसमें 5 किलो के स्टैंडर्ड बॉक्स पैकेजिंग होता है. यस, 5 किलो का बॉक्स पैकिंग होता है, उसके अंदर टोमेटो को रख के एक्सपोर्ट किया जाता है. टॉप कौन सी कंट्रीज टोमेटोज के बारे में है वो मैंने आपको बताया. अब इसको कैसे सेंड करें या लाइक इसको कैसे भेजें, आप कौन से उसका पैकेजिंग क्या होना चाहिए और बाय एयर भेजे या बाय सी भेजे, तो सबसे पहले तो इसका जो भी एक्सपोर्ट्स क्वालिटी का जो टोमेटो होता है उसको उसका बॉक्स 5 kg का होता है. 5 kg के बॉक्स के अंदर टोमेटो को फील करके उसको एक्सपोर्ट्स करते हैं. अब ये बाय एयर भी होता है और बाय सी भी होता है. वही बाई सी भेजो इसको, तो बेसिकली इसमें एक चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखने का चीज़ है कि वो आप रिफर कंटेनर में ही भेजो, क्योंकि रिफर कंटेनर में टेम्परेचर मेंटेन होता है और वो अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस आपका जो भी आप माल भेज रहे हो वो ख़राब नहीं होता है. सो ये मैंने पूरा आपको डिटेल्स में बताया कि कौन सी कंट्री में इंपोर्ट होता है, उसको कैसे बेचते हैं. तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट में और कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो कॉम्पीट कर रही है, यानी और कौन सी कंट्रीज में ज़्यादा टोमेटो का क्रॉपिंग होता है, वो कौन सी कंट्री है जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करती है. तो वो है चाइना है, US है, स्पेन है, इजिप्ट है, मोरक्को है. ये सारी कंट्रीज इंडिया को काफ़ी अच्छी मात्रा में कॉम्पीट कर रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स में ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं. सो अभी ये टोमेटो को एक्सपोर्ट्स करने के लिए आप इसको बाई सी भी एक्सपोर्ट्स कर सकते हो और बाई एयर भी एक्सपोर्ट्स कर सकते हो. तो जब भी आप बाई सी एक्सपोर्ट्स करो तो इसको एक चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान देने वाली है, वो है आपको इसको
बाई सी आप जब भी भेजो तब इसको आपको रिफर कंटेनर में ही भेजना है, क्योंकि रिफर कंटेनर में टेम्परेचर मेंटेन होता है और टेम्परेचर मेंटेन की वजह से आपका जो भी माल जा रहा है, माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, खराब होने के चांसेस एकदम कम से कम हो जाते हैं। इसीलिए प्रीफर यही अपने को करने का कि ये रिफर कंटेनर में ही जाए। व्हाई इंडियन टोमेटोज आर बेस्ट इन इंटरनेशनल मार्केट, तो बेस्ट इसीलिए है क्योंकि इंडिया से जो भी टोमेटो प्रोड्यूस होते हैं या फिर उसका क्रॉपिंग होता है तो उसमें उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। उसमें जो भी अपने यहाँ का टोमेटोज होता है पूरे इंडिया में से, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो, या चाहे छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी हो, महाराष्ट्र का हो, उसमें से जूसी जो अपने वहाँ का टोमेटो जूसी ज़्यादा होता है। इसीलिए टोमेटो करीज में भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करीज होती है, आप जानते हो, तो वो करीज में भी उसका टेस्ट अच्छा बैठता है। जो सॉस बनाने वाली फैक्ट्री, सॉसेस बनाने वाली फैक्ट्री होती है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा ये लोग यूज़ कर सकते हैं। सूप के पाउडर बनाने की फैक्ट्रीज होती है उसके लिए भी अपने इंडिया के टोमेटो बेस्ट गिने जाते हैं। सो इसीलिए इंडिया के टोमेटो की डिमांड इतनी ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में। टोमेटो जैसे मैंने बताया कि टोमेटो अलग अलग कंट्रीज में इंपोर्ट होता है क्योंकि अपने यहाँ का टोमेटो ज़्यादा जूसी होता है। तो इसके अलावा हम फ्रेश टोमेटो के साथ, यानी अगर किसी को फ्रेश टोमेटो में नहीं जाना है तो वो यहाँ उसका सॉस या फिर उसका टोमेटो का पाउडर बना के भी एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं क्योंकि उसका भी डिमांड काफ़ी मात्रा में है। टोमेटो पाउडर का यूजेस बहुत बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है, फार्मा इंडस्ट्री में होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता है, फूड इंडस्ट्री में होता है, तो ये सारी इंडस्ट्री में भी टोमेटो पाउडर का यूजेस काफ़ी मात्रा में होता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अपने पास, जो ये पाउडर फॉर्म करके भी अपने उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने टोमेटो के बारे में बताया आपको कि टोमेटो कैसे एक्सपोर्ट्स करते हैं, उसके यूजेजेस क्या क्या है, कौन सी कंट्री उसको इंपोर्ट करती है, कौन सी कंपेटिटर कंट्रीज है। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर रिलेटेड, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रिलेटेड मैं आपके साथ और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।